हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, जैसे कि आपको मेरी विंडो से पता चल रहा होगा। तो बस मैं चल रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवई की यम्मी सी टेस्टी सी जो कि ब्रेकफास्ट है वो। तो यहाँ मैंने डाल दिया कढ़ाई में ऑयल, उसके बाद मैंने डाल दिया आधा किलो की पूरी पैकेट थी सूजी की, सॉरी सेवई की वो। और सूजी और सेवई में ना मुझे बहुत ये होता है, मैं सूजी बोलते बोलते सेवई बोल डालती हूँ, सेवई बोलते बोलते सूजी बोल डालती हूँ। तो बस इसे हमें फ्राई करना है लगभग 7 से 8 मिनट ऑयल में, जब तक कि एकदम गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए, इसका कलर एकदम बढ़िया चेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें इसे एक पतीला में निकाल लेना है। और ये जो कि पुलाव है ना, काफ़ी टेस्टी बनती है सच में। और कुछ टिप्स होती है जिसे आप अगर फॉलो करोगे तो एकदम खिला खिला आपका पुलाव जो है बनके तैयार होगा, और आप के घर वाले जो है बहुत पसंद करेंगे इस तरीके से आप बनाओगे। तो मैंने जो है एक पतीले पर निकाल लिया है सूजी को, सॉरी सेवई को जो भुने थे उसे। और उसके बाद जो है उसमें पानी डाल दूँगी, और पानी डाल के हम इधर चढ़ा देंगे इसे पकने के लिए, जैसे हम राइस को पकाते हैं ना बिल्कुल वैसे। तो इसे हमें पूरे 100% कुक नहीं करना है, इसे हमें 95% कुक करना है। और कुक करते टाइम जब हम वाटर डालें तो उसमें हम एक चम्मच ऑयल ऐड करना है, जैसे कि हम चाउमीन में ऐड करते हैं, और नमक डालना है। बस ये डालने के बाद आपकी जो कि सेवई है एकदम खिला खिला बन के तैयार होगा, बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, बहुत ही अलग अलग सा बन के तैयार होगा। तो इसे हम उबलने देते हैं, 95% तक कुक करेंगे, बिल्कुल बीच में चेक करना है ताकि ज़्यादा ना पक जाए। यहाँ तड़के में मैंने लिया है थोड़ा सा सरसों, हरा मिर्च, प्याज, आलू और फल्ली की दाना, ये सब डाल के मैं चला देती हूँ बढ़िया से। और एक एक की बारी में आपको डालना है सारी चीज़ों को, और बढ़िया से फ्राई कर देना। फ्राई आपको तब तक करना है जब तक उसमें से अच्छे से एक फ्लेवर ना आ जाए, मतलब स्मेल ना आना शुरू हो जाए, किचन महकना ना चालू हो जाए। और आप सभी को पता है जो भी कुकिंग करता है कि जब भी हम डाल दें तो बढ़िया से किचन जो स्मेल से भर जाता है, तो बस काफ़ी अच्छा लगता है उसका स्मेल जो होता है। और यहाँ देखिए मेरी जो कि सेवई है वो पक गए हैं, और इधर देखिए मैं ये भी फ्राई कर रही हूँ तड़के के लिए। अगर आपके पास वेजिटेबल्स है बहुत ज़्यादा, जैसे कि कैरेट्स हो गए या फिर जो भी है कैबेज है और कैप्सिकम है, जो भी आपके पास है आप डाल सकते हो। मेरे पास यहाँ नहीं थे, मैंने ऐड नहीं किया। और ये मैंने थोड़ा सा डाला हल्दी का पाउडर, और डाल दिया नमक। नमक टेस्ट के अनुसार से डालेंगे, उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं जितना भी आपका टेस्ट हो। इसे बढ़िया से चलाएंगे, और आप देख रहे हैं मेरा मसाला एकदम जो कि सूखा सूखा है, बिल्कुल ऐसे सूखा सूखा मसाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब पानी छोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम टमाटर के पल्प का यूज़ करेंगे, टमाटर का यूज़ करेंगे उसके पल्प जैसे कि पानी होता है, और उसको हम निकाल देंगे, तो इसे बहुत ही सूखा सूखा सा मसाला तैयार होगा। तो ये हो गया हमारा जो कि मसाला तैयार। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ जो कि हम सेवई छान के रखे थे उसे, और इस तरीके की जो कि सब्जी वॉश करने का होता है ना उसी में आपको छान देना है। और उसके बाद आपको ठंडा पानी वगैरह नहीं डालना है, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, मैंने यहाँ नहीं डाला है। तो उसके बाद हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। बढ़िया से मिक्स करने के बाद ये बन के तैयार है। थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल के इसे जो है गार्निश कर देंगे, और काफ़ी टेस्टी बनता है। और थोड़ा सा मैंने देखा आप लोगों ने केचप डाला, केचप डाल करके इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस सर्व कर देंगे, तो दिखाती हूँ आपको कितना बढ़िया बना है, कितनी टेस्टी बनी हमारी सेवई पुलाव। और ये देखिए आप इसका, तो बहुत अच्छा बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोग से मैं नाश्ता के बाद। तो फ्रेंड नाश्ता कर लिए थे हम लोग, नाश्ता करने के बाद मैं जो है नहा भी ली थी, और खाना भी बन गया। उसके बाद जो कि खाने के बाद थोड़ा बर्तन पड़ा हुआ था, तो अभी है दोपहर की टाइम, दोपहर के टाइम में और खाना खाने के बाद ये थोड़े से बर्तन जो है बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए अभी किचन में पानी चल रही तो यहीं वॉश कर देते हैं। मेरे पास जो कि परमानेंट नल नहीं है किचन में जो कि 24 घंटा चले, तो जब भी नल खुलता है तो यहाँ आता है पानी, यहाँ मतलब अच्छे से प्रेशर हो तभी आता है, क्योंकि ये बाथरूम साइड अटैच है जो कि गवर्नमेंट वाला जो नल होता है ना वो वाला, तो ये जब भी अच्छे से प्रेशर होता है तो किचन में आता है, नहीं तो नहीं आता। तो आज देखिए आ रहा है बढ़िया से। तो बस मैं घस दे रही हूँ, और आप देख रहे हैं कि नल की टोटी जो है नहीं है, वो टूट गई थी, तो उधर की कनेक्शन की टूट गई थी जो बाथरूम साइड है उधर की, तो यहाँ की टोटी वहाँ लगा दी, क्योंकि यहाँ बहुत कमी आता है पानी। तो बस इसमें जो किया है मैं लगा देती हूँ एक और पुरानी सी टोटी है उससे, तो वो भी ज़्यादा प्रेशर होता है ना तो गिर जाता है, तो अभी तो खुला उला नहीं है दुकान, नहीं तो फिर लेके आते हैं हस्बैंड। तो बस ये चल रहा है ऐसे ही, और इसके बाद मैं एक कपड़ा लगा देती हूँ ना तो ये बंद हो जाता है। तो यहाँ देखिए बर्तन को, थोड़े से बर्तन पड़े थे उसे मैं घस देती हूँ। घसने के बाद जो है आज मैंने कहा था कि आप लोग को मैं केक की रेसिपी देने वाली हूँ, कुछ स्पेशल डे है, और वो क्या है बाद में आप लोग को पता चलेगी। तो
चलिए पहले तो ये कर लेते हैं, उसके बाद जो कि केक की रेसिपी भी देना है। तो जिसको जिसको भी यम्मी सी केक की रेसिपी चाहिए ना, एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे बनाती हूँ मैं केक और कितने आसान तरीके से थोड़े से सामान में बहुत ही यम्मी सी टेस्टी सी केक बन के तैयार होती है। तो ये मेरे थोड़े बर्तन थे वो घस दिया मैंने, और उसके बाद जो किया ये पूरा पानी पानी हो जाता है, इसीलिए मैं किचन में वॉश नहीं करती हूँ बर्तन वर्तन को, तो उसे भी मुझे क्लीन करना होगा। और काफ़ी कम स्पेस है यहाँ पर, ऐसे बनाया गया इस बेसिन को कि पूछिए मत, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, और यहाँ खड़ा होने का भी ये नहीं है। तो चलिए इसे छोड़िए, इसके बाद जो किया मैं कर देती हूँ क्लीन। और ये देखिए ये जो टोटी है ना उसे मैं ला के लगा देती हूँ। तो ये भी थोड़ा सा ये ना ढीला है, जब भी प्रेशर आता है तो ये खुद ही ऐसे गिर जाता है, तो बस जब ही खुल जाएगा अच्छे से तो लेके आ जाएंगे। और ये मैंने सारे बर्तन जो है कर दिए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद इधर की थोड़ी सी क्लीनिंग जो कि बची हुई है वो भी कर दूँगी। और काव्या यहाँ आ गई थी मस्ती करने के लिए, काफ़ी मस्ती करती, पानी चाहिए बच्चों को, और मेरे बच्चे नहीं सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं कि बस इन लोगों को पानी चाहिए, और पानी इतना मज़ा आता है ना इन लोगों को खेलने में कि पूछिए मत। तो चलिए मैं कर देती हूँ ये काम, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं आई हूँ किचन में केक बनाने के लिए। केक पहले ही बना लेती क्योंकि मेरे पास नहीं था इनो, और अभी लेके आए हस्बैंड इनो, तो मैं बनाने जा रही हूँ केक। मैंने सोचा चलिए केक बनाने से पहले आप लोग से मिल जाती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं बस वर्क ही दिखा रही थी, मिली नहीं हूँ। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ केक। मैं सोच रही हूँ आज जो है मैदे का नहीं सूजी का स्पॉन्ज केक बनाते हैं, बहुत बढ़िया, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो देखिए कैसे बनाती हूँ मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सूजी का केक, और आपको आई होप जरूर पसंद आएगा। तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो को एंजॉय कीजिए, पसंद आती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ सूजी का केक। पहले मैं जो है अपने सामानों को ला करके रख देती हूँ, अभी कुछ भी जो है इंतजाम नहीं किया है मैंने, अभी करूँगी। तो चलिए ट्राइपॉड पर लगाती हूँ मैं मोबाइल को और लगती हूँ अपने काम में। तो फ्रेंड ये देखिए मैं आ गई हूँ, मैं तो पहले ही आ गई हूँ किचन में, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पाउडर शुगर जो कि केक के लिए है, और ऐसे नॉर्मल चीनी को तो आप नहीं डाल सकते, तो उसको बनाना पड़ता है पाउडर। तो यहाँ देखिए मैं जो कि है 3 कप के आसपास मैं शुगर ले रही हूँ, उसे मैं ग्राइंड करके पाउडर बना लूँगी, और आप लोग से मैं कुछ शेयर करने वाली थी। अरे आप लोग अभी तो मतलब ये ठीक ठाक है, अभी वीडियो बना रही हूँ, इसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ ना कि पूछिए मैं तो बहुत ज़्यादा, अभी नहीं रोज़ ये हादसा हो रहा है, और रोज़ ये हादसा हो रहा है, और आज भी ये हो गया, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे। क्या हादसा हुआ ये मैं आप लोग को बताऊंगी भी, और साथ साथ दिखाऊंगी भी, आप लोग भी डर जाओगे जब देखोगे तो क्या होने वाला है। तो बड़ा ही मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है आजकल हमारे घर की, पूछिए मत, और रोज़ का बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग, पता नहीं क्या करें, और इस लॉकडाउन में कहाँ जाए घर को छोड़ के, ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो बस क्या करना है, आप लोग भी कोई सजेशन दीजिएगा। और यहाँ देखिए ये बन गए हमारे जो कि है पाउडर शुगर, और मैं इधर पे चाय चढ़ा दूंगी, शाम का टाइम है, मम्मी को जो है चाय पीने की मन होती रहती है, बोलती नहीं है, अभी जो कि लेटी हुए हैं सभी लोग, और फिर चाय बना दूंगी, फिर सबके सब अभी उठ के आएंगे। तो चलिए चाय बनाते हैं, और उसके बाद जो कि आगे की जो प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे केक बनाने की। तो यहाँ देखिए मैं रख देती हूँ चाय, चाय तो आप लोग को पता है मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल सी चाय है, थोड़ी सी लौंग इलायची भी डाल देती हूँ आजकल तो अच्छा लगता है, और अदरक कूट के, और ये बस चाय पत्ती शक्कर, तो बहुत ही टेस्टी चाय बनती है। तो चलिए आगे की प्रोसीजर शुरू करते हैं, केक बनाते हैं। आइए आप लोग को दिखाती हूँ केक का मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए काफ़ी मक्खियाँ भी मुझे परेशान कर रही है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पॉन्जी रवा केक, तो उसके लिए हमें चाहिए रवा, सेमोलिना या सूजी, आप जिस भी नाम से जानते हैं। मेज़रमेंट ये है कि मैंने लिया है 2 बाउल जो कि सूजी, और आज हम केक बना रहे हैं इनो से, तो 2 बाउल सूजी मैंने लिया है। 2 बाउल सूजी में उसका मेज़रमेंट ये होगा कि मैं यहाँ 1 फुल बाउल लिया है पाउडर शुगर, और थोड़ा मैंने और ऐड कर दिया था बाद में, और ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर, 1 बाउल नहीं है पूरा, उससे थोड़ा कम है। और सच में आजकल मैं मिल्क पाउडर डाल के केक बना रही हूँ ना, उसका जो फ्लेवर होता है यार सच में बहुत ही यम्मी होती है,
बहुत ज़्यादा यम्मी होती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छा लगता है और घर में भी सभी को बहुत पसंद आती है। तो ये सारे सूखे सामानों को हम मिक्स कर देंगे। अगर आप चॉकलेट या कोकोआ पाउडर, कुछ भी कॉफ़ी पाउडर मिलाना चाहते हो तो इसी स्टेज पर मिला दीजिए आप, जिससे बढ़िया से वो मिक्स हो जाए और एक चॉकलेटी फ्लेवर या टेस्ट आ जाए। पर मैं इस रवा केक को भी चॉकलेटी फ्लेवर दूंगी वो डेकोरेशन के टाइम पर, पूरी चॉकलेट से कवर करके। तो अभी तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में सिर्फ ये केक ही बनाना बताऊंगी। और मैंने डाला ये देखिए एक बॉल दही। दही मैंने एकदम फ्रेश यूज़ किया है, सुबह ही मैंने रात को ही मैंने रख दिया था दही जमने के लिए। और ये देखिए हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आधा डाला है मैंने और आधा बचा दूंगी। ये जो कि मेज़रमेंट है आप उसके हिसाब से कर सकते हो अपनी, जो जितना भी सूजी लिए उसके हिसाब से। तो यहाँ मैंने एक कप के आसपास डाला है कुकिंग ऑयल और इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं ये देखिए इस तरीके से। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें दूध डालते हुए इसका बढ़िया सा एक स्मूथ सा लंग स्प्रे जो कि बैटर तैयार करेंगे। और बहुत ही सावधानी से करना होता है आपको और थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि बिल्कुल भी अगर कुछ भी मिस हुआ तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका केक जो है। तो ये काव्य का थोड़ा सा दूध बचा था तो मैंने कहा कि चलिए मैं ये डाल देती हूँ और बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। और इधर देखिए काव्य तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब भी केक कुछ भी बने, ये सब चीज़ें खाती तो नहीं है ज़्यादा पर खुश बहुत हो जाती है। और उसको मतलब ये केक वगैरह तो पसंद ही है। तो यहाँ देखिए बढ़िया से मिक्स कर देना। और मैंने एक ही बार सारा दूध डाल दिया था, आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी दूध डालते हुए आप लोग जो किया बैटर तैयार कीजिएगा और बस एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। वैसे मैंने पहले भी केक की रेसिपी जो है दे चुकी हूँ और आज भी दे रही हूँ, क्योंकि वो थी मैदे का केक और ये है रवा का केक। तो बस इनों डाल करके हमें इसे बढ़िया से जो कि मिक्स करना है। अभी इनों मैंने नहीं डाला, इसे अच्छे से पहले फेंट दीजिए, उसके बाद ये देखिए मैं किस तरीके से फेंट रही हूँ। इसको फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बाद इसे थोड़ा रेस्ट होने देंगे, क्योंकि सूजी जो है पानी सोखता है, तो पानी सोखने के लिए थोड़ा रेस्ट होने देंगे। रेस्ट करना है उसे 3 से 4 मिनट के लिए कम से कम। और यहाँ देखिए मैं अपना देसी जुगाड़ कर रही हूँ जो कि कढ़ाई है, उसे गैस पर रख दिया है और नमक डाल दिया। ये नमक मैंने कई बार यूज़ किया है तो बस प्री हीट होने के लिए मैं यहाँ चढ़ा दूँगी। और इसके बाद जो कि हम आगे की प्रोसीजर शुरू करेंगे, तो पहले नमक को मैं डाल दी हूँ। और ये नमक कई बार मैंने यूज़ किया है, एक ही बार नहीं यूज़ किया, कई बार यूज़ किया है। मैं यूज़ करती हूँ, डिब्बे में भर के रखती हूँ, क्योंकि कितना बार आप नमक को वेस्ट करोगे, तो उससे अच्छा है आप यूज़ कीजिए फिर भर के रख दीजिए, तो आपको रीयूज़ होते जाएगा होते जाएगा। और इस तरीके से मैं ढक दी हूँ, फैन ढकने से जो कि है उसका बढ़िया से गर्म हो जाएगा और प्री हीट हो जाएगा हमारा कढ़ाई जो है। तो यहाँ देखिए मैं एक पतीला तैयार कर रही हूँ। मेरे पास केक टिन तो नहीं है, तो ये एक मेरे पास एल्युमिनियम का बर्तन है जिसी में मैं केक बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है इसमें। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आपके पास नहीं है तो उसी के ये मेरी मत रही है कि केक टिन नहीं है हमारे पास तो ये नहीं है तो नहीं बन सकता, सब में बन सकता है। और यहाँ देखिए मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल से। इसके बाद जो किया मैं मैदा डस्ट कर दूँगी इसके ऊपर, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो लगाइए, अगर नहीं है तो इस तरीके से पहले ऑयल से ग्रीस कर दीजिए, उसके बाद जो किया मैदा जो है डस्ट कर दीजिए। काफ़ी अच्छा जो है आपके केक निकल के बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सभी तरफ मैदा को फैला देना है और एक्स्ट्रा जो मैदा होगा ना उसे मैं केक के बैटर में ही झड़ा करके उसे मिक्स कर दूँगी, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये हो गया हमारा केक टिन तैयार बढ़िया से। तो चलिए फ्रेंड ये हो गया हमारा केक टिन तैयार। इसके बाद जो है मैं डाल दूंगी बैटर में इनो। इनो आपको तभी डालना है जब आप केक को जो है बनने के लिए रख देने वाले हैं, तब भी आपको डालना है इनो और उसके पहले नहीं डालना है, क्योंकि जब भी आप इनो डालें उसके तुरंत बाद से मिक्स करके आपको चढ़ा देना है। और पहले अगर डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा बैटर फूल जाएगा तो वो अच्छा नहीं बनेगा, तो इसलिए पहले आप मिला लीजिए। इनों को अच्छे से मिलना चाहिए, बिल्कुल भी आपको एक आधा मिनट तक के अच्छे से इसे फेंटना है और उसके बाद आप तुरंत ही जो आपके केक टिन है उसमें आप डाल दीजिए। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, या फिर टूटी फ्रूटी जो होती है कलरफुल वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ टूटी फ्रूटी जो है ऐड करूँगी और इसके बाद जो कि है मैं इसे डेकोरेट भी करने वाली हूँ। तो डेकोरेशन का आप तरीका देखिएगा, वो कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से घर में ही जो सामान होते हैं ना उसी से हम करेंगे।
और डेकोरेशन और पार्टी की वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आएगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो उसका मैंने नेक्स्ट मतलब सेकंड पार्ट बनाया है। तो ये देखिए हमारी केक जो है, बैटर जो है केक का बन के तैयार है। तो चलिए इसे हम डाल देते हैं बेक होने के लिए अपने देसी ओवन में। तो ये देखिए फ्रेंड, और मैंने पहले ही कहा था कि कुछ हादसा हो रही है आजकल हमारे घर, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा था। पता नहीं आजकल हमारे घर रोज़ सांप निकल रहा है, एक दिन में 3-4-5 सांप जितने भी, तो अभी तक के 10-11 सांप निकल गए हैं और एकदम परेशान हो गए हम लोग सांप से। एक सदमा टाइप का हो गया कि कहीं भी हम जाते हैं तो इतने मतलब दिमाग में बस वही घूमते रहता है, वही घूमते रहता है। पता नहीं क्या है, ऐसे घर में अंडा दिया है कि उसके बच्चे आ करके बच्चा दे के चली गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस निकलते जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं। और मिट्टी वाला जो घर है ना हमारा साइड में, वहीं से निकलते जा रहा है, तो बस समझ नहीं आ रहा है, ढूंढ रहे हैं सब कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। तो आपको दिखाने वाली हूँ मैं लास्ट में सांप को, और वीडियो भी की हूँ मैं। तो यहाँ देखिए जो कि नमक था उसी के ऊपर मैं ये मेरा चम्मच टूट गया था झारा वाला बड़ा वाला, तो उसी को मैंने रख दिया था इसके लिए। और अगर आप प्लेट रखना चाहो तो प्लेट भी रख सकते हो अगर आपके पास ये नहीं है तो, या फिर आप स्टैंड भी रख सकते हैं जितनी आपकी कढ़ाई की गहराई हो उसके हिसाब से। तो ये देखिए मैं यहाँ केक को चढ़ा दूँगी। और टूटी फ्रूटी मैं भूल गई थी डालने के लिए, तो मेरे पास ये ऑरेंज कलर की टूटी फ्रूटी थी तो मैंने इसे ऐड कर दिया थोड़ा सा। और ये देखिए इसे हम रख देंगे बैक होने के लिए। ये बड़ी आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स, पर टाइम लेता है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि बहुत जल्दी हो जाता है, काफ़ी टाइम लेता है आपको, लगभग 1 घंटे के आसपास तो लग ही जाएंगे। अगर आप कुकर में बनाते हैं तो थोड़ा कम समय लगता है, पर कढ़ाई में प्री हीट होने देंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए इसे धीरे धीरे, और क्योंकि इसे आपको एकदम लो फ्लेम पर ही पकाना है तो इसे केक को बनने देते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ही तुरंत सांप निकला था वो आपको दर्शन कराती हूँ। तो चलिए फ्रेंड आपको दिखाती हूँ मैं सांप। ये देखिए काफ़ी ज़ोर से मेरी ननद ने आवाज़ किया सांप सांप, तो आजकल हम लोग सदमे में ही रहते हैं। तो यहाँ काव्य के पापा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे डंडे से, पर वो जो है बिल है वहाँ घुस गई, बिल्कुल भी नहीं निकली। तो बहुत ज़्यादा परेशान है, रोज़ का निकल रहा है हमारे घर, सच में एकदम दिक्कत हो रही है। और बहुत बच्चों का बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि मेरे बच्चे कहीं भी कूदते नाचते रहते हैं। तो वो सांप का केस तो अभी ये मतलब घुस गया अंदर। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, बहुत ज़्यादा डर लगता है। उस दिन क्या हुआ, मैं किचन में ही झाड़ू लगा रही थी और किचन के गेट के पीछे ही सांप था। मतलब ऐसा रोज़ हो रहा है कि हमारे घर सांप निकल रहा है। और ये देखिए मेरा टेस्टी स्पॉन्जी केक बन के तैयार है। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि सांप का मुझे डर है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।